जहां महंगाई चरम सीमा पर है, वहीं दूसरी ओर बिजली की कटों की मार से आम लोगों का जीवन जीना मुहाल हो रहा है। सरकार लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने के बड़े बड़े दावे और वादे तो करती है, लेकिन धरातल की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। आलम तो यह है कि इस तपती गर्मी में बिजली कटौती से परेशान लोग छांव के लिए जगह तलाश रहे हैं। खासकर व्यापार करने वाले लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लाइट के कारण उनका फ्रिज में पड़ा सामान खराब हो रहा है। हालांकि लोग इन्वर्टर भी चला रहे हैं, लेकिन वो भी चार्ज ना होने के कारण फेल हो रहे हैं। सबसे बड़ा एक चिंता का विषय यह है कि अभी तो गर्मियों की शुरुआत हुई है, अभी तो हम अप्रैल के महीने में बैठे हैं और अभी तो मई जून अभी आना बाकी है। अगर अभी से ये हाल होगा तो आने वाले समय में क्या होगा। जो दूसरी बात है, जो एक अनप्लैंड रूप से कट चलते हैं, अगर किसी व्यक्ति को सुबह बता दिया जाए कि आज इतने बजे से इतने बजे तक बिजली नहीं आएगी, तो वो अपने दिनचर्या उसी हिसाब से व्यवस्थित करके रखता है। और रही बात एक ऐसा वर्ग हमारा जिनके पास कोई जनरेटर या इन्वर्टर की सुविधा ना है, और ऐसी तड़पती गर्मी के अंदर बिजली ना होने की वजह से वो उनका जनजीवन बुरी तरीके से रुक जाता है। तो इस मामले में कहूँगा कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, कोई अगर फॉल्ट आ गया उसको रिपेयर करना है, या कोई ऐसा ओवरलोडिंग है, या कुछ इस प्रकार की अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस है, तो उसको प्लान्ड वे में कट करा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिजली का नुकसान है आज, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, स्टूडेंट्स को उनकी क्लासेस के दौरान प्रॉब्लम आ रही है। अब CBSE के एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं, कल बच्चों को पढ़ाई के लिए, एग्जामिनेशंस के लिए हर जगह जनरेटर या इन्वर्टर की सुविधा तो उपलब्ध नहीं है ना, वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है। लेडीज़ को, हाउसवाइफ्स को अपना घर चलाने के अंदर, क्योंकि आज के समय में हर पूरा जीवन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। हनुमान जी नाम है मेरा, और लाइट बहुत परेशान कर रही है। पूरे दिन काम करने के बाद रात को घर जाकर सोने का नींद का टाइम होएगा 12:30 बजे, फिर 3 बजे, फिर सबेरे 5 बजे, फिर 6 बजे, 15-15 मिनट लाइट आती है, आधा आधा पौना पौना घंटा लाइट जाती है। पूरी पूरी रात सो नहीं पाते हम। उसके बाद लाइट ने इतना परेशान, पूरे दिन भी परेशान करी, रात और दिन मच्छर काट रहे हैं, सब बहुत परेशान है। वहीं बिजली कटों को लेकर अंबाला में तैनात बिजली बोर्ड के एक्सियन से बात की गई तो उनका कहना है कि गर्मियों के मौसम में बिजली का लोड बढ़ जाता है और पीछे से ही बिजली की सप्लाई कम हो रही है। एक्चुअली आजकल जैसे ये गर्मी में लोड की डिमांड भी ज़्यादा होगी है, और अभी पावर परचेज के लिए जो एग्रीमेंट हमारा जैसे सरकार के लेवल पर अभी कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी होने वाला है। अभी हमारी जो डिमांड और परचेज को बैलेंस करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए, ये हमें फ्रीक्वेंटली जो कट लग रही है इसी की वजह से लग रहा है, कि ताकि ग्रिड को मेंटेन करे और वो एकदम से कोलैप्स ना हो जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये कट लगाने पड़ते हैं। अब ये जैसे डिमांड और जो रिसीविंग पावर वो बराबर हो जाएगी, फिर ये कट नहीं लगेंगे। सर इसमें सभी पे मतलब एक कट लगाए जा रहे हैं, एक बैलेंस आ करके, जैसे अर्बन में भी कट लग रहे हैं, इंडस्ट्री भी कट लग रहे हैं, और एग्रीकल्चर का भी, जैसे हमने रात का शुरू तक कई बार इतनी सीवियर पावर कट आ जाती है तो वहाँ अर्बन कट लगा के उनको एग्रीकल्चर को भी देना पड़ता है, और इसी तरह इंडस्ट्री को कट लगा के तो भी मेरे एग्रीकल्चर को या RDS फीडरों को देना पड़ता है। सर हमने जैसे 147 एस्टीमेट यहाँ शहर के बनाए हैं, और इसमें 80 करीब ट्रांसफार्मर हमने यहाँ ऐड करने थे, जिसमें 42 ट्रांसफार्मर ऐड हो चुके हैं, और जो LT लाइन है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए 80 किलोमीटर लाइन रिप्लेस होगी और नई डलेगी।